Good morning everyone. Continuing with our topic. Next, जो हमारा है, that is, कुछ important terms जो use होती हैं में. सबसे पहली जो टर्म है that is, cash price. Cash price का मतलब क्या है जब आप किसी गुड को खरीद रहे हो परचेज कर रहे हो और आप इमीडिएटली जो उसके लिए लमसम में पेमेंट पे pay कर रहे हो उसे हम कैश प्राइस कहते हैं इसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं गुड्स के लिए नेक्स्ट इज योर हायर परचेज प्राइस ये वो प्राइस होता है जो हायर परचेजर पे करता है वेंडर को अंडर दी हायर परचेज सिस्टम इस अमाउंट में जो आपका इंटरेस्ट है वो इंक्लूड होता है और ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो कैश प्राइस है आपका जब उसमें आप टोटल इंटरेस्ट ऐड कर देते हो तो आपका हायर प्राइस बन जाता है नेक्स्ट इज योर इंस्टॉलमेंट जो हायर परचेज के लिए आप प्राइस पे कर रहे हो इक्वल इक्वल पीरियोडिकल पेमेंट्स में उसे हम इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो क्वेश्चन में दो तरीके से मेंशन हो सकती है एक इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट में क्या होता है या कैसे आपको पता चलता है डाउन पेमेंट जो, जो, जो आपने की है वो और जो अमाउंट है सभी इंस्टॉलमेंट जितनी भी आप पे करोगे अगर डाउन पेमेंट प्लस जो आपकी अमाउंट है टोटल इंस्टॉलमेंट्स की अगर वो ज्यादा है आपके कैश प्राइस से तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है अगर जो भी आपने डाउन पेमेंट की है प्लस जो भी आपकी सारी इंस्टॉलमेंट है उसका टोटल इक्वल है कैश प्राइस के तो इसका मतलब इंटरेस्ट आपके इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है यहाँ हमने दो चीजें देखी कि कैश प्राइस एक कैश प्राइस मतलब कि अगर आप सब जो आपका गुड है अगर आप उसे परचेज करते कैश में पेमेंट करके तो कितना प्राइस आप पे करते वो जो लमसम अमाउंट आप पे करते गुड को खरीदने के लिए वो कैश प्राइस है आपका हायर परचेज जब आप कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो तो कैश प्राइस अगर आपका जो भी आपने डाउन पेमेंट की है जो भी आपने डाउन पेमेंट की है गुड को खरीदने के लिए उसमें जब आप ऐड करते हो टोटल इंटरेस्ट तो आपका बना हायर परचेज प्राइस तो अगर जो आपका हायर परचेज प्राइस है वो आपका कैश प्राइस से ज्यादा है तो मतलब आपका जो इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट में वो इंक्लूडेड है और अगर वो इक्वल है उसके तो इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है अंडर हायर परचेज सिस्टम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए जो गुड्स सोल्ड की गई हैं अंडर हायर परचेज सिस्टम उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक है हमारा गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू इसके अंडर क्या होता है जो भी अकाउंट्स रिलेट करते हैं टू गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू उन्हें हम दो मैथड से रख सकते हैं इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेज वो कौन कौन से मैथड है पहला है आपका टोटल एसेट वैल्यू मेथड इस मेथड के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन है हायर परचेज की उसे ऑर्डनरी ट्रांजेक्शन समझा जाता है इसीलिए जो आपका एसेट अकाउंट है उसे डेबिट किया जाएगा और जो हायर वेंडर का अकाउंट है उसे आप क्रेडिट करोगे विद टोटल कैश प्राइस जो भी आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है और जो अमाउंट ड्यू है वेंडर को उसे हम डिडक्ट कर देते हैं टोटल कैश प्राइस ऑफ जब हम उसे बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं तो जो डेप्रिशिएशन है हमेशा कैश प्राइस पर शो किया जाएगा इस मैथड के अंडर हमने क्या किया कि जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो जो टोटल वैल्यू थी एसेट की वो आपने लिख दी और उसमें से जो भी डेप्रीशियेशन है या जो भी अमाउंट आपने वेंडर को पे की है वो हम डिडक्ट करते रहते हैं देन नेक्स्ट इज योर एसेट अप्रूवल मैथड इस मैथड के अंदर जो एसेट है उसको डेबिट नहीं किया जाता टोटल कैश प्राइस से बल्कि डेबिट uh, किया जाता है सिर्फ उतनी अमाउंट से जितना आपने पे किया है जितना जो हायर परचेजर है एवरी ईयर पे कर रहा है और एज लॉन्ग एज जो हायर परचेजर है पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट की तो जो एसेट है उसको वो परचेज करता रहेगा ये हम मानकर चलते हैं अंडर एसेट अक्रूवल मैथर्स फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कैश प्राइस है कंप्यूटर का थर्टी थाउजेंड रुपीज और जो हायर परचेजर है उसने फिक्स किया है कि सिक्स हाफ इला इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइव थाउजेंड इच तो सिक्स इंस्टॉलमेंट है नंबर सिक्स है और आपका इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो फाइव है तो फाइव थाउजेंड इंटू सिक्स थर्टी थाउजेंड हो गया आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मैथड जो कंप्यूटर है उसे जो asset हुई, computer जो asset हुई हुई कंप्यूटर उसे आप डेबिट करोगे थर्टी अगर हम second method करें asset accrual method, तो उसमें आप जो कंप्यूटर लिखोगे बैलेंस शीट में वो टेन थाउजेंड का लिखोगे और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज कि जब आप डेप्रीशियशन कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल कैश प्राइस है उस उसपे डेन कैलकुलेट किया जाएगा इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड एडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हायर परचेजर है वो पूरी एसेट का यूज कर रहा है तो जो फर्स्ट मेथड है कॉमनली हम यूज करते हैं प्रैक्टिस में तो जो फर्स्ट मेथड है अगर आपका क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो जो फर्स्ट मेथड है उसे आप एडोप्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज एंट्रीज क्या होंगी अंडर फर्स्ट मेथड टोटल एसेट वैल्यू मेथड सबसे पहले हम सीक्वेंस देखते हैं हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा जब हम क्वेश्चन को uh, करेंगे तो जो हमारी ट्रांजेक्शन का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस होता है क्या है ट्रांजेक्शन का सीक्वेंस सबसे पहले आप एसेट को परचेज करते हो उसके बाद आप डाउन पेमेंट करते हो उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू होता है फिर आप इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते हो फिर डेप्रीशियशन चार्ज करते हो एसेट के ऊपर और उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें आप अपना इंटरेस्ट और जो भी जो आपका खर्चा हुआ उसे आप ट्रांसफर कर देते हो ये सीक्वेंस फॉलो होता है तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारे जो एंट्रीज हैं वो होंगी सबसे पहले हम देखते हैं इस मेथड में हायर परचेजर की बुक्स में क्या एंट्री होगी और हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होगी फर्स्ट ईयर में कैश प्राइस अपने पे किए एसेट को परचेज करने के लिए तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर की बुक्स में क्या होंगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट कैश प्राइस जो गुड्स का उसने सोल्ड किया देन डाउन पेमेंट जो उसने की एट द टाइम ऑफ साइनिंग दी एग्रीमेंट हायर परचेजर ने की तो हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हायर वेंडर की बुक्स में क्या बनी कैश अकाउंट डेबिट टू हायर Account, उसने जो डाउन पेमेंट रिसीव की ये जो दो entries है, ये ये जो जो है की दो सिर्फ में होंगी जो बाकी entries हम अभी कर कर रहे हैं ये एंट्रीज हर ईयर में रिपीट होती हैं जब तक आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो तो जो एंट्री होगी वो क्या होगी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और हायर वेंडर की बुक्स में भी इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट देन हायर परचेजर की बुक्स में पेमेंट करने की एंट्री इंस्टॉलमेंट की वेंडर अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कैश और हायर वेंडर की बुक्स में पेमेंट रिसीव करने की एंट्री इंस्टॉलमेंट की तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट उसके बाद डेप्रिशिएशन चार्ज करने की एंट्री हायर परचेजर की बुक में डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट हायर वेंडर की बुक्स uh, में कोई भी एंट्री नहीं होगी देन नेक्स्ट इज योर जो लास्ट एंट्री है हायर परचेजर की बुक में जो होगी दैट इज कि जो भी आपका इंटरेस्ट है और डेप्रिशिएशन है उसे आपने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट देन इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की एंट्री पी एंड एल अकाउंट में हायर वेंडर की बुक्स में तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट देन लास्ट जो है ट्रांसफर जब आपका हायर सेल्स जो आपने की उसको आप कर रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी हायर परचेजर की बुक में लेकिन एंट्री होगी किसकी बुक्स में हायर वेंडर की बुक्स में क्योंकि उसी की, ने हायर सेल्स की है तो हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट तो जो फर्स्ट टू एंट्रीज हैं हायर परचेजर और वेंडर की बुक में होंगी लास्ट एंट्री जो है वेंडर की बुक में जो ये हमने हायर सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट वाली एंट्री की ये जो एंट्रीज है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में पास होंगी और बाकी जो एंट्रीज है वो एवरी ईयर रिपीट होंगी जब तक आपकी जो इंस्टॉलमेंट है हायर परचेज सिस्टम के अंडर चल रही है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कौन कौन से अकाउंट्स है जो बनते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर सबसे पहले एसेट अकाउंट रियल अकाउंट है नेचर में तो इसकी डेबिट साइड में आप लिखते हैं टू वेंडर अकाउंट और उसकी क्रेडिट साइड में आप लिखते हैं बाय डेप्रिशन अकाउंट देन सेकंड है वेंडर अकाउंट अकाउंट पर्सनल है नेचर में और इसे क्रेडिट किया जाता है विद द कैश प्राइस ऑफ एसेट एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और डेबिट किया जाता है बाय राइटिंग टू कैश अकाउंट ऑन पेइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट देन नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है नेचर में और इस अकाउंट को आप डेबिट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बाय राइटिंग टू वेंडर अकाउंट और इसे क्लोज करते हैं आप इसका ट्रांसफर करके बैलेंस जो भी है पी एंड एल अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर दर नेक्स्ट इज योर यीशियन अकाउंट ये भी नॉमिनल अकाउंट है नेचर में और इसकी डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू एसेट अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन और इस अकाउंट को भी आप क्लोज करेंगे इसे ट्रांसफर करके पी एंड एल अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर Then, necessary accounts कौन कौन से है है में और 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 इस account को आप debit करते हैं जब आपको इंस्टॉलमेंट्स मिल जाती हैं तो इसे आप क्रेडिट करेंगे बाय राइटिंग बाय कैश अकाउंट देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट अकाउंट इसकी क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय परचेजर अकाउंट विद ड्यू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और इसे क्लोज करेंगे आप बाय राइटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच